नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। मध्य प्रदेश की खबरों की ओर रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के 110 नए मामले आए सामने। अब इसके साथ कुल मरीजों की संख्या पहुंची 7,89,000। मध्य प्रदेश में योग दिवस यानी कल से शुरू होगा वैक्सीनेशन का महाअभियान। मध्य प्रदेश में अभी बारिश मिली है लोगों को राहत, जिले में नहीं हो रही बारिश, उमस ने लोगों को सताया। भोपाल में संडे लॉकडाउन होने के बाद भी वेब सीरीज की शूटिंग कर रहे क्रू पर पुलिस का डंडा चला। गोलीकांड का पंचनामा तैयार करने जा रहे बाइक सवार दो बदमाश लूट के गए मोबाइल, पुलिस ने केस दर्ज किया। तो चलिए अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों का, जहां अखिल भारतीय राष्ट्रीय और प्रदेश कांग्रेस की जिला सीहोर महामंत्री नीलम राधेश्याम सोनी ने जिला अध्यक्ष सहित अन्य ब्लॉक महिला जिला महिला कांग्रेस की पदाधिकारियों सदस्यों कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय तहसील कार्यालय पहुंचकर डीजल पेट्रोल रसोई गैस और अन्य खाद्यान्नों की मूल्य वृद्धि के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया और उन्होंने ज्ञापन सौंपा। नायब तहसीलदार अंकिता वाजपेयी को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन का वाचन जिला महामंत्री नीलम राधेश्याम सोनी द्वारा नायब तहसीलदार के समक्ष किया गया। ज्ञापन में दर्शाया गया कि कोरोना महामारी के कारण आम जनता वैसे ही दुखी है और परेशान है और लोग इस दौरान बेरोजगार हो गए हैं। गरीब जनता के पास इलाज करवाने तक के पैसे नहीं है। ऐसे विषम परिस्थितियों में केंद्र और राज्य की सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल रसोई गैस और अन्य खाद्यान्नों की बेतहाशा मूल्य वृद्धि करना जनहित में सही नहीं है। डीजल पेट्रोल गैस ईंधन सभी के लिए दिया है। महंगाई बढ़ रही है उसके लिए ज्ञापन दिया है। आज भारत सारे भारत में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हलातन मची हुई है। प्रकृति द्वारा नुकसान होता है तो वो लोग सहन कर लेते हैं, लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, पर महंगाई से कैसे करें। जो नवयुवक युवतियाँ हैं वो बेरोजगार हैं, विकास के नाम पर क्या कार्य हो रहा है। आज इन लोगों को रोजगार की जरूरत है। आप जब रोजगार ही नहीं दोगे तो कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या। तो आज ये पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बता दें कि इसमें पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों से परेशान होकर कांग्रेस के द्वारा ये ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें साफ तौर पर विवेचना की गई है कि लोग इस वक्त बढ़ती महंगाई से परेशान हैं। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग महंगाई से त्रस्त हैं और महंगाई को सरकार के द्वारा कम किया जाना चाहिए। वहीं इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो धर्मेंद्र, आज पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस की तरफ से ज्ञापन सौंपा गया है, ऐसे में ज्ञापन में क्या कुछ अपील की गई है? देखिए, जैसा जाहिर सी बात है कि कोरोना काल के बाद जनता ने एक उम्मीद जगाई थी, एक उम्मीद की किरण जनता को नजर आ रही थी कि शायद सरकार को उन पर रहम आ जाए और वो जो लगातार महंगाई बढ़ा रहे हैं उस पर नियंत्रण करें, काबू करें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक तो पहले ही जनता कोरोना काल में बीमारी की चपेट में आकर कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जनता हाल बेहाल हो गई। ये हाल केवल जिले का नहीं, मध्य प्रदेश का नहीं, बल्कि पूरे देश का था। ऐसी सूरत में जनता को ऐसा लगा कि शायद केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर कुछ निर्णय लें और जनता की जेब पर जो भारी हो रही है महंगाई के बोझ से उसको कुछ कम करने की कोशिश करें, लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत काम हुआ है और लगातार महंगाई में इजाफा हो रहा है। बात करें पेट्रोल की, डीजल की या खाद्यान्न पदार्थ की, तो कहीं भी राहत मिलती नजर नहीं आती है। ऐसी सूरत में कांग्रेसियों ने पहले भी मोर्चा खोल रखा था, लेकिन मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के साथ के जो निर्देश उनको दिए गए हैं उसके
के मुताबिक जो जिला कांग्रेस की महिला कमेटी जो है उन्होंने मिलकर एक प्रदर्शन किया और जिला कार्यालय सीहोर में जाकर अंकिता वाजपेयी जो वहाँ की नायब तहसीलदार है उनको ज्ञापन सौंपकर ये मांग की है, राज्यपाल के नाम उन्होंने ज्ञापन दिया और ये मांग की है कि रहम करे भाजपा सरकार, रहम करे केंद्र सरकार, रहम करे राज्य सरकार, जनता पर रहम करे, वो जनता जो उनको वोट देकर जिताती है और वही बदहाली से जूझ रही है। बेरोजगार युवा घूम रहे हैं घर में, कई घर यहाँ मध्य प्रदेश में ऐसे हैं जहाँ पर अनाज के फांसे पड़े हुए हैं, खाने के लिए रोटी नहीं है। उसके बाद ये सरकार जो है लगातार अपनी मनमाफिक जो दरें हैं वो बढ़ाए जा रही है और कहीं से कहीं तक जनता को राहत देने की कोशिश दूर की बात है, विचार भी मन में नहीं आ रहा, और विचार मन में आता है तो केवल मीडिया को दिखाने के लिए आता है, लेकिन धरातल की बात करें तो ऐसी सूरत कहीं भी नजर नहीं आती जहां जनता को राहत मिल सके। तो इन्हीं सब बातों को लेकर जो जिला महिला कांग्रेस कमेटी है उसने जाकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है, नायब तहसीलदार के हाथों में दिया है और राज्यपाल के नाम है ये, और उनसे मांग की है कि सरकार से दरखास्त कर सरकार के सामने हमारी बात रखी जाए और राज्यपाल इस बात को अपने खुद के संज्ञान में लेते हुए महंगाई पर को कम करने पर विशेष बल दें। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आस्था से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर आज महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बता दें कांग्रेस की तरफ से बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर ये ज्ञापन सौंपा गया है। तो चलिए अब रुख करते हैं हमारी अगली खबर का, जहां रतलाम जिले के जावरा के लालाखेड़ा गांव में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे निर्माण एजेंसी के कुछ अधिकारी और ठेकेदार और कंपनी की बड़ी लापरवाही से ग्राम लालाखेड़ा में बारिश का पानी घुस गया, जहां लालाखेड़ा के किसान और कांग्रेसी नेता वीरेंद्र सिंह सोलंकी नजदीकी थाने पहुंचे। ग्रामीणों की समस्या थी कि वर्तमान में जो दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है उस एक्सप्रेसवे में 8 लेन के ठेकेदारों ने पानी निकासी के लिए कोई भी उपयुक्त रास्ता नहीं निकाला, जिसके कारण बारिश का पानी लालाखेड़ा गांव में घुस गया। लगभग 15 ग्रामीणों के घरों में बारिश का पानी घुस चुका है और कुछ ग्रामीणों के मकान तक टूट गए हैं, जिससे उनके रहने और खाने की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिससे 6 अनुसूचित जाति के गरीब लोगों के मकान गिर कर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। ये दिल्ली मुंबई 8 लेन जो निर्माण हो रहा है, इस 8 लेन में निर्माणकर्ता एजेंसी और ठेकेदार जो संबंधित एजेंसी के अधिकारी हैं उनकी लापरवाही से ग्राम लालाखेड़ा के लगभग 8 से 9 परिवार पूरे बर्बादी के मुहाने पर हैं, उनके मकान पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। पूरे गांव में 8 लेन के जो ठेकेदार हैं उनकी दादागिरी के कारण, उनके लाल फीताशाही के कारण पूरे गाँव में भय का माहौल है, वहाँ किसानों की फसलें बर्बाद हुई पिछले वर्ष भी, इस बार भी फसलें बर्बाद होने के मुहाने पर है। इस बार जो नाला गांव के किनारे से जाता है उसको अधिकारियों ने, इनके ठेकेदारों ने उसको बंद कर दिया, जिसके कारण पूरा गांव में पानी घुस गया। उस पानी घुसने से कम 25 से 30 परिवार जो अनुसूचित जाति के गरीब लोग हैं वो बर्बाद हो। मेरा नाम बद्रीलाल पाटीदार, मैं ग्राम पंचायत का उप सरपंच था। मैंने इंजीनियर जो कंपनी का इंजीनियर उससे मैंने अभी 15 दिन में कम से कम 7-8 बार बात करी है, पर हमारी बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सर ये जो किसानों का आने जाने का रोड जो है, हमारे खुद के कुएं पे जाने का रोड है, वो रोड अभी पानी में बह गया है और ना तो उन्होंने ढंग से रोड बनाए हैं और ना बना रहे हैं, बार बार कहने पर भी नहीं सुन रहे हैं। अभी जो है वर्तमान में हम कुएं पे ना जा पाएंगे और ना बोनी कर पाएंगे, सभी किसान दुखी हैं और हमारी तत्काल अधिकारी से निवेदन है कि तत्काल सुनवाई करें। अभी वीरेंद्र सिंह जी सोलंकी वहाँ के ग्रामीणों के साथ, लालाखेड़ा के ग्रामीणों के साथ अभी थाने पर आए थे, उन्होंने एक आवेदन दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि परसों के दिन जो कंटिन्यू बरसात हुई है और उसकी वजह से गांव में पानी घुस गया है और करीब 5-7 मकान जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उसमें वो 8 लेन कंपनी के जो लोग हैं जिनके द्वारा रोड बनाया जा रहा है उनकी लापरवाही की वजह से ये पानी गांव में घुसा है। इस संबंध में आवेदन दिया, हम जांच करेंगे और वीरेंद्र सिंह जी की ये मांग है कि इनके जिनके मकान टूटे हैं उनके मकानों का मुआवजा दिया। तो जावरा
हिसार से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर जावरा में इस वक्त लोगों के लिए बारिश का पानी मुसीबत बनकर खड़ा हुआ है। वहीं इस पूरी वारदात पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता नाहुर खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो नाहुर, जिस प्रकार से इस वक्त जावरा के लोग एक्सप्रेस वे के निर्माण से नाखुश दिखाई दे रहे हैं, उनके घरों में बारिश का पानी घुस चुका है, ऐसे में ग्रामीणों को और क्या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? जैसा कि अनुष्का, मैं आपको जानकारी देते बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में जिस तरह मानसून ने दस्तक दे दी है, वहीं जिले भर में खूब वर्षा हुई है। शुक्रवार की शाम को देर रात जावरा में 10 इंच के लगभग वर्षा दर्ज अब तक की जा चुकी है, और जब बारिश तेज हुई तो वहां 8 लाइन का जो निर्माण कार्य चल रहा है, वहीं जावरा के पास लगा हुआ एक ग्राम लालाखेड़ा है, जहाँ बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया। किसान और वहां पे पहुंचे वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ पे 8 लेन एक्सप्रेस का काम चल रहा है। उस एक्सप्रेस के ठेकेदारों ने पानी निकासी के लिए जो उपयुक्त रास्ता नहीं निकाला, जिसके कारण बारिश का पानी लालाखेड़ा गांव में घुस गया। बारिश के पानी से लगभग 15 ग्रामीणों के घरों में बारिश का पानी घुसा, कुछ ग्रामीणों के मकान भी टूट गए, उनके रहने खाने पीने की समस्या उत्पन्न हो गई। अभी वो फिलहाल में पंचायत में अपना निवासरत है, पंचायत में रहने को मजबूर है क्योंकि उनके पास रहने को साधन नहीं है। हालांकि वहाँ मौके पर तहसीलदार भी पहुंचे, तहसीलदार ने पहुंच के निरीक्षण किया, उनको राशन पानी भी उपलब्ध कराया, लेकिन जो उनका मुआवजा है, जो उनकी मतलब अभी तक जो उनको नुकसान पहुंचा है, उसके लिए वीरेंद्र प्रताप सिंह सोलंकी जो हैं वो वहीं पर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। आज उन्होंने थाने पर एक आवेदन देकर शिकायत भी की है और 8 लाइन और संबंधित जुड़े हुए अधिकारियों पर FIR दर्ज करने की मांग की है। जी, तो नाहुर, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि पूरे मामले का संज्ञान लिया जा चुका है, वहीं इस मामले के सामने आने के बाद से जिला प्रशासन का क्या कुछ रुख इस मामले में देखने को मिल रहा है? देखिए, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। प्रशासन ने वहां पे पुलिस प्रशासन भी गया था, तहसीलदार भी गए थे और उन्होंने मौके का निरीक्षण भी किया, जायजा भी लिया, लेकिन जो गरीब नुकसान है उनकी भरपाई होने तक के लिए वीरेंद्र प्रताप ने जो है कि सोलंकी जो यहाँ के कांग्रेस के नेता है, जिला पंचायत उपाध्यक्ष भी रहे, उन्होंने निर्णय लिया है कि जब तक की ये अनुसूचित भाइयों की लड़ाई पूरी तरह से वो लड़ नहीं लेते, तब तक वो यहीं रहेंगे, इन लोगों के साथ रहेंगे और इनका पूरी तरह से साथ देंगे। क्योंकि जो घरों में पानी घुसा उससे केवल सामान ही नष्ट नहीं हुआ, किसानों की फसल लहसुन सोयाबीन का भी जो लाखों रुपए का नुकसान हो गया, इसकी पूरी जानकारी जावरा तहसीलदार को मौके पर पहुंचने के बाद कांग्रेस नेता ने दी है, परंतु उनके द्वारा अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जावरा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर इस वक्त लोगों के लिए बारिश का पानी मुसीबत का सबब बना हुआ है। आपको बता दें कि एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्य की वजह से लोगों के घरों में पानी घुस गया है। 21 जून को वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू हो रहा है, जो 30 जून तक चलाया जाएगा, जिसके तहत बेगमगंज नगरीय व ग्रामीण क्षेत्र में लक्ष्य के मुताबिक वैक्सीनेशन संदेश घर घर तक पहुंचाने के लिए नगर पालिका प्रशासक और SDM अभिषेक चौरसिया, CMO धीरज शर्मा के मार्ग निर्देशन पर स्लोगन लिखी तख्तियां हाथों में लेकर महिला पुरुष सभी ने रैली निकाली और लोगों तक संदेश पहुंचाया कि COVID-19 से बचने के लिए वैक्सीनेशन कितना जरूरी है। बता दें कि इस रैली का शुभारंभ बस स्टैंड से किया गया। रैली में नगर पालिका कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सफाई कामगार सभी शामिल रहे। इस रैली का उद्देश्य वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक करना है। रैली के माध्यम से यही हम संदेश देना चाहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा पहुंचकर अपना वैक्सीनेशन कराएं और शहर का। सीहोर के आष्टा क्षेत्र में मासूम बच्चे अपने पिता की मौत के बाद रोजी रोटी के लिए खुद काम करने को मजबूर हैं। अपना पेट भरने के लिए बच्चे अपने हाथों से हल चलाकर फसल उगा रहे हैं। हैरानी वाली बात यह है कि गांव का कोई भी व्यक्ति इन बच्चों की खोज खबर लेने के लिए नहीं आया। बैल और दूसरा साधन न मिलने पर बच्चे मजबूरन खुद ही हल चलाने को मजबूर हैं। बच्चों ने अपनी दैनिक स्थिति को बताते हुए कहा कि उनका मकान भी कच्चा है, हमारे पास 4 एकड़ जमीन है जिसमें सोयाबीन और बैल खरीद जिसमें हम सोयाबीन उगाते हैं। फिलहाल हमारे पास बैल खरीदने के भी पैसे नहीं हैं, इसलिए तीनों भाई बहन मिलकर सब्जी उगाने के लिए खेत को तैयार कर रहे हैं और ऐसा हमने कई बार किया है क्योंकि कोई हमारी मदद नहीं करता। वही हम हमारे खेत को तैयार करके बैल खरीदना चाहते हैं।
आशा उषा और सहयोगिनी कार्यकर्ता वेतन विसंगति सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। आपको बता दें मंदसौर में भी सीटू कार्यकर्ताओं की यह हड़ताल जारी है। मंदसौर शहर के गांधी चौराहे पर हड़ताल के पांचवें दिन आशा उषा सहयोगी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए सांकेतिक रूप से सरकार को कुंभकर्णी निंद्रा में सुलाकर प्रदर्शन कराया गया। राज्य सरकार उन्होंने बोला कि राज्य सरकारें सो रही हैं और उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हड़ताल पर बैठी आशा कार्यकर्ताओं ने बताया कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती तो हड़ताल जारी रहेगी और आगे उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। सहयोगिनी एकता यूनियन की जिला सचिव भारती सोलंकी, आज हड़ताल का हमारा पांचवा दिन है। आज हमने सरकार को कुंभकर्ण बना के सुला के और उसको जगाने की कोशिश की है। प्रमुख मांगे तो ये है कि हमको नियमित किया जाए, शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, न्यूनतम वेतन लागू किया जाए, हमारा ईएसआई स्वास्थ्य बीमा, सेवानिवृत्ति पर पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा को सभी योजनाओं का हमको लाभ दिया जाए। ये है कि हमको शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और हमारा 18,000 रुपये वेतन किया जाए। सरकार हमारी विगत दिवस से हमारी हड़ताल चल रही है, आज का पांचवा दिन है पर सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही। अभी तक हमारे इतने भी ज्ञापन गए हैं, आज दिन तक उनका कोई निराकरण नहीं किया गया। तो आज हम कुंभकर्ण के रूप में सरकार को, राज्य सरकार को यहाँ सुला के और उनको जगाने की कोशिश कर रहे हैं पर सरकार फिर भी हमारा जाग नहीं रही और हमारी ओर उनका कोई ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकार हमारी ओर ध्यान दे और हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ललित शंकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो ललित, जिस प्रकार से मंदसौर में अपनी मांगों को लेकर कार्यकर्ता इस वक्त धरना प्रदर्शन कर रही हैं, उनकी क्या कुछ मांग सामने आई है? अनुष्का, मैं बता दूं कि लगातार ये छठा दिन है जहां पर उनकी हड़ताल जारी है। उनकी मुख्य मांग है कि उनका वेतन बढ़ा जाए, उनको स्थायी किया जाए। वो लगातार हड़ताल कर रही है, वो उनकी हड़ताल ये आज छठा दिन है और कल उन्होंने कुंभकर्ण सुलाकर सरकार को जगाने का प्रयास किया। वो लगातार मुख्यमंत्री से मांग कर रही है कि उनकी जो मांगे वो पूरी की जाए। वो कोरोना काल में सबसे ज्यादा आशा उषा जो कार्यकर्ता है वो काम करती है, उनकी ये मांगे है। तो जिस प्रकार से इस वक्त मांग देखने को मिली है, ऐसे में उनकी तरफ से क्या कुछ सरकार से अपील की जा रही है? अपील लगातार की जा रही है कि उनकी मांगे की जाए, मांगे पूरी की जाए। लगातार सरकार से वो अलग अलग तरीके से प्रदर्शन करके, कभी गांधी चौराहे पर वो साखला बनाकर वो प्रदर्शन करती है, कभी कुंभकर्ण की जो कुंभकर्ण को सुलाकर सरकार को जगाने का प्रयास करती है, कभी वो रैली निकालकर, मौन रैली निकालकर लोगों को मतलब सरकार जागरूक करने का काम करती है, लेकिन सरकार का अभी तक कोई एक्शन इनकी तरफ नहीं आया है। जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त आपको मंदसौर से बड़ी खबर बता रहे हैं जहां आशा कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदेश में आगामी 21 जून से 30 जून तक वैक्सीनेशन को लेकर महाअभियान चलाया जाएगा। इस विशेष अभियान में मंदसौर जिले के 87 वैक्सीनेशन सेंटरों पर 25,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिस पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि 21 जून से जनप्रतिनिधियों व धर्म गुरुओं की उपस्थिति में स्वास्थ्य विभाग द्वारा महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर आयोजन की शुरुआत की जाएगी। सीएमएचओ राठौर ने उम्मीद जताते हुए कहा कि हम अपने अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाने की कोशिश करेंगे, साथ ही हम लक्ष्य को जरूर पूरा करेंगे। साथ ही उन्होंने आमजन से भी अपील की है कि कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय इस वक्त वैक्सीन है, मौका मिलने पर सभी लोग वैक्सीन जरूर लगाए। मंदसौर जिले में 21 जून 2021 से कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान का शुभारंभ होने जा रहा है और इसके लिए हमने 25,000 डोज का टारगेट रखा है और इसके लिए हमने पूरे मंदसौर ज़िले में 87 हमने टीम बनाई है और जगह चिन्हित किए गए हैं, यहाँ पे कोविड वैक्सीनेशन होगा और इनमें से 87 में से 11 जगह जो है जिला मुख्यालय पे रहेगी और हम सुबह जो है 10 बजे जनप्रतिनिधियों को बुलाएंगे और अन्य धर्मगुरुओं को बुलाकर उस स्थान पे जो है महापुरुषों के चित्र पे माल्यार्पण करके और इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। हमें उम्मीद है कि हम जो है ये टारगेट पूरा। रतलाम जिले के आदिवासी इलाकों में झोला छाप डॉक्टर के कारण आए दिन लोगों की मौत की खबरें आती रहती है।
वहीं रावटी में एक और ग्रामीण महिला की मौत एक झोला छाप डॉक्टर के इलाज से हो गई। डॉक्टर अपना क्लिनिक बंद कर रफू चक्कर हो गया। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने बताया कि जिले में नायन गांव की महिला मीरा को इलाज के लिए रावटी ले जाया गया था, जहां एक डॉक्टर ने महिला को इंजेक्शन लगाए और दवा देकर रवाना कर दिया, जिसके बाद महिला की मौत हो गई। कल एक सूचना मिली थी, मीरा पति देवदा निवासी बजरंगगढ़ की महिला थी। वो करीब 9:30 बजे हॉस्पिटल आए थे इलाज कराने, 3 दिन से बुखार था, हॉस्पिटल आए थे, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराया था। इसके बाद में इलाज कराने के दौरान फिर वापस चले गए थे। करीब वे बजरंगगढ़ जाने के लिए वो ऑटो रिक्शा में बैठते हैं, ऑटो वगैरह इंतजार करते हैं। वहाँ करीब वो फखरुद्दीन बोहरा है, उसकी दुकान के आगे नायन रोड पहुँच गए थे। वहाँ पर करीब 12 बजे बाद महिला की डेथ हो गई, जिसपे उनमें आक्रोश था कि इंजेक्शन वगैरह लगाए जिसका। सिंगरौली जिले में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। यहां तेज बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। आकाशीय बिजली की चपेट में कई लोगों और जानवरों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। तेज हवाओं के कारण पेड़ गिर जाने से आवागमन भी बाधित हो गया है। सिंगरौली जिले को जोड़ने वाली एकमात्र रास्ता, जहां 2 दिनों से हो रही तेज बारिश के कारण पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, लेकिन लापरवाही की हद तब पार हो जाती है जब बस चालक यह देखते हुए भी कि पुल के ऊपर तेज पानी का बहाव चल रहा है, इसके बावजूद बस में सवार सभी लोगों की जान को खतरे में डाल देता है। फिलहाल जिला कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने इस खबर का संज्ञान लेते हुए बस चालक के ऊपर कार्यवाही करने की बात कही है। राम के नाम पर लूट करने वालों को भगवान सद्बुद्धि दे। पूरे देश में जिस तरह से राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया गया, वहीं इस कड़ी में रीवा में भी कांग्रेसी सड़कों पर उतरे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जन्मदिवस पर अयोध्या को मुद्दा बनाकर कांग्रेसियों ने अपने अंदाज से भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोगों को जमकर कोसा। उनको सद्बुद्धि देने की भी उन्होंने प्रार्थना की। ये लक्ष्मण बाग केवल बनने का यही कारण था कि महाराजा रघुराज सिंह की तबीयत खराब हुई, उनको आराम करने के लिए उन्होंने संतों का यहाँ पदार्पण कराया और उन्हीं संतों के द्वारा जिसका निर्माण हुआ और उन्हीं ने उनको आराम किया, तभी से लक्ष्मण बाग बना। केवल राजा की तबीयत खराब स्वच्छ करने की हेत, तब से आज तक यही लक्ष्मण बाग का परम्परा जो है, जो बांध दिया महाराजा विश्वनाथ सिंह थे, आज तक कायम है, वही चलती थी। राम के नाम पे जो लूट मची है मंदिर के नाम पे, उसके लिए भगवान राम, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरे व्यक्तिगत विचार है कि आज भगवान राम की आस्था, भगवान राम खतरे में है, इसलिए हम लक्ष्मण जी के पास आए कि लक्ष्मण जी उठिए, तीसरी नेत्र खोलिए और राम के मंदिर को बनवाइए और इन भ्रष्टाचारियों को भगाइए। इसलिए लक्ष्मण जी के नाम, भगवान लक्ष्मण के नाम ये हम ज्ञापन सौंप रहे हैं। अपने रीवा में मशहूर बिल्डिंग जिसे लोग फांसी घर के नाम से जानते हैं, वो अब वीरान हो गई है। बता दें कि ये फांसी घर पहले वॉच टावर के नाम से जाना जाता था, जिसे महाराजा रघुराज सिंह ने चारों तरफ की निगरानी और एक जगह से दूसरे जगह संदेश भेजने के उद्देश्य से बनवाया था। पर वर्तमान में रीवा में, हालांकि अब इस जगह को रीवा पुलिस ने इस्तेमाल करती है और इस टावर में वर्षों से कोई नहीं आया, और इस टावर को लेकर वरिष्ठ इतिहासकार ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी। देखिए, जो वॉच टावर है ये काफ़ी पुराना है। इसके पहले दरअसल ये 1865 में बना ही है। इसका निर्माण महाराजा रघुराज सिंह के कार्यकाल में शुरू हुआ था। ये जो वॉच टावर है ये लगभग 80 फीट ऊंचा है और पूरा ये, इसकी जो शैली है, इसकी ये इटैलिक शैली या यूरोपियन शैली कह सकते हैं इसे। दरअसल इसके पहले इस टावर के पास एक दरवाज़ा था, बुंदेला दरवाज़ा कहते थे उसे। बुंदेलों ने रीवा राज पे 1726 पे हमला किया था
और अपना एक विजय द्वार बनवा दिया था। महाराजा रघुराज सिंह जब कार्यकाल में आए तो उनको लगा कि ये एक गुलामी का प्रतीक है, तो उन्होंने दीवान दीनबंधु पांडे से कहा कि इसको गिरवा दो। इंदौर शहर में हत्या और आत्महत्या रुकने का नाम नहीं ले रही है और ताजा मामला शनिवार देर रात छत्रपुरा थाना क्षेत्र के आदर्श इंदिरा नगर में सामने आया, जहां युवक ने अपनी प्रेमिका के घर में घुसकर उसे गोली मार दी और उसके बाद उसने खुद को भी गोली मारकर अपनी जान ले ली, जहां मौके पर ही युवक की मौत हो गई और प्रेमिका नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती कराई गई। कोरोना संक्रमण के कम होते ही यात्रियों का रुझान रेलवे की तरफ बढ़ने लगा है। ऐसे में भारतीय रेलवे द्वारा कई गाड़ियों के समय में भी फेरबदल किया गया है, जहां इंदौर से चलने वाली 3 गाड़ियां जो सप्ताह में 3 दिन तक चलती थी अब वह प्रतिदिन पटरी पर दौड़ेंगी। पश्चिम रतलाम मंडल के वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी जितेंद्र जयंत ने बताया कि यात्रियों ने रेलवे सफर की ओर बढ़ते रुझान को देखते हुए भारतीय रेलवे ने निर्णय लिया है कि पश्चिमी रेलवे इंदौर तेज चलने वाली गाड़ियों के समय में फेरबदल हुआ है, जहां इंदौर से मुंबई जाने वाली अवंतिका एक्सप्रेस बीते आदेश के मुताबिक सप्ताह में 3 दिन चल रही थी, जिसे आगामी 27 जून 2021 से प्रतिदिन चलाने का निर्णय लिया गया है। वहीं इसी तरह इंदौर से उदयपुर चलने वाली गाड़ी 28 जून से रोज पटरियों पर दौड़ेगी। इंदौर शहर में चाकूबाजी की घटना आम हो गई है। कभी कभी छोटी छोटी बातों पर भी बड़े विवाद का ये कारण बन जाती है। दरअसल खजराना में लगातार हो रही चाकूबाजी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वह खुलेआम लोगों पर जानलेवा हमला करने से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला खजराना थाना क्षेत्र का है, जहां 3 युवकों ने गुरु नानक कॉलोनी में रहने वाले अजय चौधरी को चाकू मारकर घायल कर दिया। घायल अजय ने बताया कि आरोपी उसकी महिला मित्र के साथ छेड़खानी कर रहा था। जब घायल युवक ने मना किया तो धमकाते हुए बोले कि अब इधर नजर मत आना। इसी विवाद के चलते दोपहर तीनों आरोपी ने अजय को धोखे से घर के बाहर बुलाया और हमला कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जी, इंदौर के भंवर कुआं थाना क्षेत्र में एक होटल में 3 बच्चों के पिता 50 साल की उम्र में एक बुजुर्ग को दूसरी शादी करना महंगा पड़ गया। पहली पत्नी को जैसे ही शादी की खबर लगी तो वह अपने 3 बच्चों को लेकर पहुंची और जमकर हंगामा किया। हंगामा होते देख युवती के परिजन मौके से भाग गए। वहीं पुलिस ने दूल्हे और दुल्हन को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। हरदा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कुछ दिनों पहले हुई हत्या का खुलासा कर दिया है। बता दें कि बीते दिनों रात 2 बजे शहर के खेड़ीपुरा मोहल्ले में जिस व्यक्ति की हत्या हुई थी उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी और उसका प्रेमी हत्यारा निकला। पुलिस ने कुछ घंटों के अंदर इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में धारा 302 के तहत अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया है। पुलिस ने कॉल डिटेल और मौके पर मिले साक्ष्यों के आधार पर इस हत्याकांड का खुलासा करने में सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार अग्रवाल ने बताया कि जिस रात आमिर की हत्या हुई उस रात में मृतक की पत्नी और उसके मित्र की काफी देर तक बातचीत हुई थी, साथ ही चैटिंग भी बरामद की गई है। शक के आधार पर दोनों को हिरासत में लेकर अलग अलग पूछताछ की गई, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ। इतना सब कुछ होता रहा, हमारा शक दिया इसके ऊपर। फिर हमने अपने साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के आधार पर, साइबर के आधार पर हमने विश्व योगा दिवस 21 जून को मनाया जाएगा। इसके साथ ही रतलाम जिले में कोरोना टीकाकरण का महाअभियान भी शुरू हो रहा है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि कोरोना से बचाव का एकमात्र और अंतिम उपाय टीकाकरण ही है। उन्होंने बताया कि एम्स दिल्ली के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया के मुताबिक 6 से 8 हफ्तों बाद तीसरी लहर आ सकती है। महामारी की जब लहर चलती है तो सारी व्यवस्थाएं फेल हो जाती हैं। तीसरी लहर पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए यह टीकाकरण का महाअभियान शुरू किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य को शासन से 1.5 लाख टीके कल मिल जाएंगे, जो जिले के 152 सेंटरों पर कल ही पहुंचा दिए जाएंगे। वैक्सीनेशन सेंटर पर 2 स्वास्थ्य कर्मचारी टीकाकरण के लिए तैनात रहेंगे। प्रतिदिन कम से कम 30,000 टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया है और 30 जून तक 1.5 लाख टीके लगाने का लक्ष्य प्राप्त करने का भी निश्चय किया गया है। उन्होंने बताया कि जुलाई तक वैक्सीनेशन आपूर्ति बहुत सुगम हो जाएगी और जुलाई अंत तक जिले में 90% लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य हम लेकर चल रहे हैं।
और इसी के साथ मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।